फ्रेंच क्विजीन के मेन कोर्स की कुछ रेसिपी सिखाने के लिए आज हमारे साथ हैं शेफ माया थापा फ्रॉम होटल मॉरल शेरटन न्यू दिल्ली। हेलो शेफ। हेलो, वेलकम टू द शो। हेलो माली। तो आज आप सबसे पहले क्या बनाना सिखाएंगी? आज हम बेकती एंड श्रिम्प ट्रायंगल विद एवोकाडो साल्सा। ओके, तो बेकती किस चीज को कहते हैं? बेकती एक तरह की सी फिश है, उसका नाम ही बेकती है, इट्स अ काइंड ऑफ फिश। ओके, एंड व्हाट इज एवोकाडो साल्सा? अवोकाडो साल्सा उसके साथ अकम्प्लीमेंट है, सैलेड टाइप। ओके, उसके साथ मतलब साथ में दिया साथ में देने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप शुरू करेंगी मैं आपसे और सवाल पूछूंगी। बट फॉर नाउ लेट्स बिगिन। ये क्या चीज है? ये बेकती फिलेज है, इसे हम मैरिनेट करेंगे। ओके, जैसा कि आपने बताया कि बेकती इज अ टाइप ऑफ फिश, इज इट अ सी फिश? यस। ओके, तो ये इसी तरह से बाजार में अवेलेबल होती है? हाँ जी। इसे मैरिनेट करेंगे पहले? हाँ जी, विद सम ड्राई डिल। ड्राई डिल इज व्हाट? डिल इज सौंफ, सौंफ की तरह होती है। अगर ड्राई नहीं है तो आप उसको फ्रेश भी यूज कर सकते हैं सीजन वाइज। ये सॉल्ट है, दोनों तरफ अच्छे से लगाना पड़ेगा। ये वाइट पेपर, व्हाइट पेपर की जगह ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं? ब्लैक पेपर भी, हाँ जी। अगर आप चाहें थोड़ा स्पाइसी तो आप रेड चिल्ली पाउडर भी यूज कर सकती हैं इसकी जगह। ठीक है, और ये व्हाइट वाइन। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाइट वाइन? इसकी जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? आप थोड़ा लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। अच्छा, अगर इंडियन में जाना है आपने तो उसमें थोड़ा लेमन जूस हल्का सा थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं अगर आपके पास व्हाइट वाइन नहीं है तो। ये मैरिनेट हो गई। इसे कितनी देर तक रखेंगे? इसको करीब आधा घंटा। ओके, सो वी विल पुट इट ऑन वन साइड। अब इसकी स्टफिंग के लिए हम लोग मिंस यूज करेंगे। ये किस चीज का? ये प्रॉन मिंस है। इसमें भी आप थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा वाइट पेपर। ओके, वही इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे? सेम। ओके, थोड़ी फ्रेश क्रीम। अच्छा, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। दैट्स द प्रॉन मिंस विद सम सॉल्ट एंड पेपर एंड क्रीम। ओके, अब इसको हम बेकती में स्टफ करेंगे। ठीक है, सो शुड आई गिव दिस टू यू? ये जो मैरिनेट करके रखी है मिंस को उसके अंदर स्टफ स्टफ करना है। ओके, फिर इसको हल्की शेप देनी है ट्रायंगल में। हल्के हाथ से दबाएंगे? हाँ जी, ताकि मिंस भी बाहर ना निकले। अच्छा, अब इसको हम ओवन में स्टीमिंग के लिए डालेंगे। ठीक है, आप इसमें थोड़ा फिश स्टॉक यूज कर सकती हैं, अदरवाइज ये नीचे नहीं तो चिपक जाएगा। इसमें थोड़ी सेलरी स्टिक्स फ्लेवर के लिए। ओके, इफ सेलरी इज नॉट अवेलेबल कैन वी यूज समथिंग एल्स? आप लीक्स भी यूज कर सकती हैं। ओके, एनी अदर ऑप्शन? नहीं, सेलरी और लीक्स का होना जरूरी है। ओके, यू कैन यूज कैरेट, कैरेट भी, अगर कैरेट या फिर अनियंस तो वो तो नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, बे लीफ, तेज पत्ता और काली मिर्च। हाँ जी। ओके, इसको हम ओवन में डालेंगे 150 डिग्री पे फोर फाइव मिनट्स ओनली। ओके शेफ, जब तक वो रेडी हो रहा है तब तक हम एवोकाडो साल्सा। ओके, वी कैन वी मेक दैट? ओके, ये एवोकाडो है, इसे हम पहले काट के नहीं रखे क्योंकि इसको पहले काटने से ये काला पड़ जाएगा। अच्छा, तो इसलिए जब हमें यूज करना है उससे 5 या 10 मिनट पहले इसको काट के। ठीक है, छिलका पहले से नहीं निकाल के? हाँ जी, छिलका भी और इवन पहले भी चॉप करके नहीं रखना। ठीक है, इसके बीच में ये। हाँ जी, स्लाइसेस काट लेंगे। स्लाइस और हल्का छोटे डाइसेस। अच्छा, बिल्कुल चॉप नहीं करना, बिल्कुल चॉप करने पे बिल्कुल मैश हो जाएगा ये। ओके, वेरी सॉफ्ट। हाँ जी,
अब इसे हम एक बोल में डालेंगे। हाँ जी, इसके लिए हमने थोड़े चॉप अनियन और चॉप टमेटोज, चॉप अनियंस, चॉप ग्रीन चिली बिना सीड्स के, अच्छा, थोड़ा लेमन जूस। लेमन जूस से इसमें थोड़ा टेस्ट आएगा और इसका कलर थोड़ा डिसकलर नहीं होगा। ओके, जैसा कि आपने बताया एवोकाडो जो है काला हो जाता है। हाँ जी, थोड़ा नमक, थोड़ा वाइट पेपर, इसको अब हमने मिक्स करना है। शेफ अब उसको चेक कर लें। हाँ जी, अरे ये तो इतना छोटा हो गया। ये माली अंदर पकने के बाद थोड़ा श्रिंक होता है मीट। दिस मच, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट हाफ द साइज, इतना ही होता है। ओके, अब हम इसको सर्व करेंगे। एवोकाडो सॉस, इसके गार्निश के लिए आप धनिया यूज कर सकती हैं। रेडी टू ईट? या थैंक यू सो मच शेफ फॉर दिस अनयूजुअल रेसिपी। बेकती एंड श्रिम्प ट्रायंगल्स विद एवोकाडो सालसा बनाने के लिए आपको चाहिए बेकती के फिलेज 2, मेरिनेशन के लिए ड्राई डिल 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, व्हाइट वाइन 2 से 3 टीस्पून। स्टफिंग के लिए श्रिम्स यानी छोटे प्रॉन्स का मिंस 100 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, सफेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, फ्रेश क्रीम 3 टीस्पून। स्टीमिंग के लिए फिश का स्टॉक 20 मिलीलीटर, सेलरी 10 ग्राम, तेजपत्ता 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम। एवोकाडो सालसा के लिए एवोकाडो 1, टमाटर 2, प्याज 2, हरी मिर्च 4, 2 नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार और सफेद मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार। बेकती फिलेज को मेरीनेट करें, आधे घंटे के लिए एक तरफ रख दें। मिंस की स्टफिंग बनाएं और बेकती फिलेज में भरें। ट्रायंगल की शेप में फोल्ड करें और एक बेकिंग ट्रे पर रखें। अब इस पर फिश का स्टॉक डालें जो कि फिश की बोन्स को उबाल कर बनाया जाता है। साथ ही डालें तेजपत्ता, काली मिर्च और सेलरी। अवन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से 5 मिनट तक स्टीम करें। एवोकाडो सालसा बनाएं और बेकती फिलेज को इसके साथ सर्व करें। अब देखते हैं कि अगली फ्रेंच डिश कौन सी है। सो शेफ व्हाट्स नेक्स्ट? चिकन जामबोन स्टफ विद स्पिनच। ओके, चिकन की जो लेग होती है उसको आप जामबोन, उसको जामबोन कहते हैं। ओके, तो ये लेग है उसकी, तो ये सिर्फ बाहर का हिस्सा, उसका स्किन है ये बाहर का। अच्छा, इसका अंदर का मीट और बोन्स वगैरह वो हमने निकाल दिया। इसके अंदर हम स्पिनच स्टफ करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आपको मैरिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा मस्टर्ड पाउडर, पेपर, व्हाइट पेपर, हाँ जी, सॉल्ट, टैरागॉन। टैरागॉन क्या चीज़ है? ये एक तरह की इंग्लिश हर्ब है जिसे हमारे यहाँ धनिया और सौंफ और किसी तड़के के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ इंग्लिश हर्ब। सो हम थोड़ी व्हाइट वाइन ऐड करेंगे। शेफ, व्हाई डू वी यूज व्हाइट वाइन? फ्लेवर के लिए, इससे अच्छा फ्लेवर आता है और फ्रेंच कुजीन में वैसे वाइन्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम इसको मैरिनेट करेंगे इससे। इसे कितनी देर के लिए रखेंगे? कम से कम आधा घंटा। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। पालक की स्टफिंग जैसे आपने बताया। हाँ जी, स्टफ स्पिनच, बटर, येलो बटर वी यूज। हाँ जी, चॉप अनियंस, इसको सौते करना है, हल्का सा भूनना है। हाँ जी, ये स्पिनच है जो हमने ब्लांच करके हल्की चॉप की है। ब्लांच आने की उसको उबाल के फिर ठंडे पानी से निकाला हुआ है और उसके बाद हल्का चॉप किया हुआ। ठीक है, ये हो गया प्याज।
salt, thoda white pepper. Okay. थोड़ी सी फ्रेश क्रीम. ओके. क्रीम से हल्का इसका फ्लेवर आएगा. थोड़ा सा रिच टेस्ट हो जाएगा. इसकी स्टफिंग तैयार है. बस इतनी देर लगती है इसे कुक होने में? क्योंकि पालक ऑलरेडी कुक है पहले. ओके. उसको हल्का सा सिर्फ सॉटिंग फ्लेवर के लिए. हाँ जी. इसको हम ठंडा करेंगे. ठीक है. प्लेट पे फैलाने से जल्दी ठंडा हो जाएगा बजाय किसी बोल में रखने से. अब आप बनाएं केपर सॉस. एक बोल में 100 ग्राम व्हाइट सॉस लें. इसमें 100 ग्राम फ्रेश क्रीम डालें. इन्हें अच्छी तरह से फेंटें. एक पैन में 20 ग्राम मक्खन पिघलाएं. इसमें डालें प्याज और लहसुन. हल्का भूरा होने तक भूनें. अब मिलाएं केपर्स जो कि टिन या बॉटल फॉर्म में बाजार में उपलब्ध है. इसमें व्हाइट सॉस और क्रीम का पेस्ट डालें. अच्छी तरह से मिलाएं. स्वाद अनुसार नमक और सफेद मिर्च पाउडर डालें. थोड़ा पार्सली डालकर कुछ देर पकाएं. केपर सॉस तैयार है. और अब तक तो स्पिनच जो है वो ठंडा हो गया और ये चिकन जंबोन भी मैरिनेट हो चुके हैं. जी. स्किन के अंदर इसे स्टफ करना है एंड तक. अच्छा. आप चाहें तो थोड़ा प्रेस भी कर सकती हैं. ओके. वी लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि चिकन का जो लेग पीस है उसका फ्लेश नहीं यूज हो रहा है बट स्किन यूज हो रही है. ये बाकी जो स्किन बचा है इसे आप फोल्ड करके इसके अंदर ही डाल सकती हैं. ओके. बड़ी आसानी से चला जाएगा. इसको हमने दोबारा स्टीमिंग के लिए डालना है. ठीक है. इसमें भी ग्रीसिंग की जरूरत नहीं है. बिल्कुल नहीं. एंड आई थिंक बिकॉज वी मेकिंग चिकन सो वी यूज चिकन स्टॉक. चिकन स्टॉक भी उसी तरह से बोन्स को बॉईल करके ये सेलरी, तेज पत्ता, काले मिर्च. ओके. दिस इज ऑल फॉर फ्लेवर. हाँ जी. दिस इज चिकन स्टॉक. तो अब हम इसे डालेंगे अंदर ओवन में. ओके. इस बीच हम इसकी प्लेट रेडी कर लेते हैं. ठीक है. दिस इज व्हाट ये लीक्स हैं. ओके. इसको हल्का मोटा काट के हल्का ब्लांच करना है. और ये गाजर है इसको हल्की शेप देके काटा हुआ. Chef, I think it's time to check that. That looks ready. हमने इसके चिकन के स्लाइसेस करने हैं लेग्स के. अच्छा. इसको पूरा नहीं काटना है. हल्का डायगोनल रख के नाइफ को काटेंगे. नाउ द सॉस के ऊपर पोर कर देंगे. चाहे तो इसको हल्का गार्निश करने के लिए पार्सली लीफ लगा सकते हैं. ओके. थैंक यू.
थैंक यू सो मच शेफ़। दोनों रेसिपीज जो आपने सिखाई दे वर वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक। तो देखा आपने, जो लोग ये समझते हैं कि फ्रेंच क्विजीन बनाना बहुत ही मुश्किल है, आज का एपिसोड देखकर आपकी ये गलतफहमी दूर हो गई होगी। दुनिया भर का खाना आपकी रसोई में, कहिए कैसा लगा। चिकन जैम्बो स्टफ्ड विद स्पिनच बनाने के लिए आपको चाहिए स्किन ऑफ चिकन लेग्स 2, मैरिनेशन के लिए मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, सफेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, टेरेगोन 1 टीस्पून, व्हाइट वाइन 2 टीस्पून। स्टफिंग के लिए मक्खन 20 ग्राम, प्याज 20 ग्राम, ब्लांच किया गया पालक 100 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, सफेद मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, फ्रेश क्रीम 10 मिलीलीटर। केपर सॉस के लिए व्हाइट सॉस 100 ग्राम, फ्रेश क्रीम 100 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम, प्याज 10 ग्राम, केपर्स 20 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, सफेद मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, पार्सले 10 ग्राम। स्टीमिंग के लिए सेलरी 10 ग्राम, तेज पत्ता 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, चिकन स्टॉक 20 मिलीलीटर। चिकन स्किन को मैरिनेट करें और आधे घंटे के लिए एक तरफ रख दें। अब पालक की स्टफिंग बनाएं और चिकन लेग में भरें। अवन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम करें। केपर सॉस बनाएं। चिकन लेग्स को केपर सॉस और वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर दें। गोवा के कैलंगूट बीच पर एक इंटरेस्टिंग सा ईटिंग जॉइंट है, सोजा लोबो। अरेबियन सी के सामने बैठकर डिलिशियस गोवन क्विजींस का लुत्फ लीजिए। यू आल्सो गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सनसेट एंड आल्सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ गोवन डिशेस हियर। दिस एंटायर प्लेस इज मैनेज्ड बाय अ वंडरफुल लेडी, मिसेस मारिया लोबो। तो चलिए देखते हैं कि मिसेस लोबो आज रसोई शो के व्यूअर्स के लिए क्या बनाने जा रही हैं। हेलो मिसेस लोबो। हेलो, वेलकम टू द शो। So tell us what you're going to prepare for us today. Today tiger prawns goan masala. Okay. So what is the first thing we do? First thing we have to take pepper corns. Mm-hmm. Kali mirch. Yeah. And cumin seeds. Zira. Zira. And cloves. Long. And cinnamon. Dalchini. And tamarind. Tamarind. Imli. And sugar. Mm-hmm. And about 8 chilies, Kashmiri chilies. Okay. And haldi. Haldi powder. Okay. This we have to grind to a paste with Goa vinegar. Goa vinegar. Yeah. What is so special about this vinegar? That's made out of coconut. In sab cheezon ko ek saath mila lenge. Some onions. Thoda sa pyaaz. Yeah. Okay. So we have to make together and put in the grinder, just make a paste. Okay. And this is how it comes. Mm-hmm. And now we'll go in for the tiger prawns. Okay. So we have just clean and devein it. Okay. So deveining is very important. We have to keep it very, remove everything. Achha. Agar nahi nikalenge to kya hoga? Then bad stomach. Now we have to take water and just dip it in. Dip it in. Wash it. Now, just with ginger, garlic, we have to marinate it. Yeah. Okay. Adrak aur lehsun ka paste banaya hua aapne. Yeah. Achha. This is garlic and ginger. Okay. Then little salt. Namak. 1 teaspoon. Mm-hmm. And pepper powder. And about 1 lime and half of salt lime. Achha. अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे ताकि वो चारों तरफ लग जाए मसाला। दिस इज फॉर मैरिनेशन। दिस फॉर मैरिनेशन। ओके, तो कितनी देर तक मैरिनेट करते हैं इसे? फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। तो अगला स्टेप क्या है? नाउ वी हैव टू हीट द ऑयल। अच्छा। ओके। डू यू यूज नॉर्मल रिफाइंड ऑयल फॉर दिस? या। ओके। तो प्रॉन्स डीप फ्राई होते हैं या शैलो फ्राई होते हैं? शैलो फ्राई। शैलो फ्राई। के बाद आप इसमें प्याज डालेंगे? प्याज एकदम बारीक कटी हुई होनी चाहिए। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आप इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज जो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए उसके बाद टमाटर डालेंगे। फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हाँ।
Now I'll put the masala and saute it. तो इस मसाले में आप पानी नहीं डालते, उसकी जगह विनेगर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ओनली विनेगर. या ओनली विनेगर. एंड पिंच ऑफ सॉल्ट. ओके. नाउ इट्स डन एंड विल फ्राई द टाइगर प्रॉन्स जस्ट हाफ डन. ओके. डज इट हैव टू बी ऑन अ फ्लैट पैन लाइक दिस? नो नीड. बट इट इज बेटर बिकॉज़ यू नो द टाइगर प्रॉन्स आर क्वाइट huge, so it needs space. Now we'll just spread it out. Spread it out. उसको फैला के रखेंगे. दोनों तरफ से शुड बी रोस्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. या बोथ द साइड्स. सो दिस इज हाफ डन नाउ. नाउ दिस इज हाफ डन. वी विल पुट द मसाला बैक. या मसाला बैक एंड देन वी नाउ विल पुट द ओके. नाउ अबाउट ऑन स्लो केक फॉर अबाउट 6 मिनट्स. For about 5-6 minutes on slow fire. Yeah. तो इसे ढक कर पकाते हैं या खुले? Yeah. ढक कर पकाते हैं. Okay. Looks lovely. So that's ready to eat? Yeah. Looks really, really nice. So this was a spicy treat from Goa, the Goan masala tiger prawn.